मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और गाने की शुरुआत के साथ, ये क्रिश्चियन सॉन्ग है और यहाँ पे गीतकार इस प्रकार से कहता है कि प्रभु मुझको ऐसा बना कि मैं तुझको पसंद आ सकूँ और मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे और तेरी चाहतों को भर दे। तो गाइस, आज की शाम आपको आशीष देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जैसा कि मैंने पहले पिछले कई वीडियो में बताया कि मैंने अपने घर के हर एक सामान को दुआओं से पाया है। ऐसा नहीं कि मैंने उनका पैसा नहीं दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ दुआओं से ही पाई है मैंने, उनका एक भी रुपया मुझे देना नहीं पड़ा। और जैसा कि मैंने इस अलमारी के विषय में बताया था आपको कि ये अलमारी 13,500 रुपये की थी, लेकिन सिर्फ 9,000 में उस दुकानदार ने मुझे दे दी। प्रेयर करती रही मैं, क्योंकि सिर्फ मेरे पास 9,000 ही थे। और जो ये बेड देख रहे हैं आप, ये जो बेड देख रहे हैं, ये भी मैंने दुआओं से पाया है। एक्चुअली मैं आज से 6-7 साल पहले की बात है, तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दो बच्चे ट्यूशन के लिए मेरे पास आते थे, तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ गाइस, क्योंकि आपको बताती हूँ मेरे विषय में कि मैं सिर्फ 8th पास ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा लेती हूँ बच्चों को। मेरे भी दोनों बच्चों को मैंने ही पढ़ाया है। मेरा बेटा BSW कर रहा है, साथ में जॉब भी कर रहा है। मेरी बेटी MSc कर रही है, अभी वो पूना जाएगी, तो देखो कब जाती है, नवंबर तक जाती है। तो मैंने अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाया है, कभी ट्यूशन नहीं लगाया। तो कारण ये भी था कि इतने पैसे नहीं होते थे और मैं ही पढ़ाती थी अपने बच्चों को। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये जो बेड देख रहे हैं आप, तो मेरे बच्चे आते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। उस समय मेरे पास बेड नहीं था और हम लोग गद्दे नीचे ज़मीन पर ही गद्दे पे सोते थे, और जो पास में दीवार थी वहाँ से बहुत चूना गिरता था, बहुत मिट्टी बिस्तर पे हो जाती थी। और उस घर में मोटे मोटे चूहे भी थे, तो वो चूहे एक बार मेरे हस्बैंड के पाँव में भी काट के चले गए थे। तो मैं बस प्रार्थना ही कर रही थी, और जो ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने आते थे, तो बच्चे उसके जो पापा थे वो फर्नीचर का काम करते थे, तो उसकी मम्मी जब भी बच्चों को छोड़ने आती थी, मुझे बोलती थी कि आप एक पलंग बनवा लो बनवा लो। तो मैंने कहा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि है ना, नहीं आप कभी भी दे देना पैसे, आप ऑर्डर दे दो। तो मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने ऑर्डर दे दिया, और उनके हस्बैंड ने अपने हाथों से बहुत मजबूत पलंग, मैंने सिंपल सा ही बनवाया है गाइस, कि मेरे को ज़्यादा वो, मैंने सोचा कि ज़्यादा मैं अगर इसमें अच्छा वाला करवाऊँगी तो ज़्यादा पैसे, लेकिन उन पैसे लगेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था आपको जैसे बनवाना है वैसे बनवा लीजिए, लेकिन फिर मैंने सिंपल सा ही बनवाया। तो आप देख लीजिए, ये मेरा बेड है और ये भी मैंने दुआओं से ही पाया है। ये उन्होंने मुझे 16,000 का बोला था, लेकिन जब मैं थोड़ा थोड़ा देती रही तो फिर उन्होंने बहुत कम पैसों में, गाइस बहुत कम पैसों में मुझे ये बेड बना के दे दिया। प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुत आशीष दे। ऐसे ही ये ड्रेसिंग टेबल की भी एक कहानी है, तो ये भी मैं आपको कभी किसी अपने वीडियो में सुनाऊंगी। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुआओं में बहुत असर होता है। आप लोगों की लिए दुआ करें, लोगों की दुआओं को पाएं, क्योंकि धन दौलत से कुछ नहीं हासिल हो सकता, शांति तक भी नहीं मिलेगी,
लेकिन अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं या कोई आपको दुआएं देता है तो वही हमारे काम आती है जीवन के अंदर, ये मेरा अनुभव है। तो मैं एक वे चैनल भी देखती थी जिनके सब्सक्राइबर उस समय सिर्फ 200 करीब ही थे, और तब से मैं उनका चैनल देखती हूँ। आप लोग भी शायद देखा होगा आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जब मैं उनका वीडियो देखती थी तो मैं उनके हस्बैंड के लिए डेली, सच बता रही हूँ, मैं डेली उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु उनको चंगाई दे, और सच में परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। बहुत सारे लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। तो आज की शाम यही कहना चाहती हूँ गाइज कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना है, निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना है, परमेश्वर बहुत जल्दी सुनता है। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं, और ये रही मैं। आज मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ बारिश हुई, लेकिन फिर भी गर्मी पे तो कोई असर नहीं पड़ा गाइस, गर्मी तो उतनी की उतनी है, पसीने में लथपथ हुई हुई हूँ अभी। और खाना मैं बना चुकी हूँ और बस अब छत पे बैठने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। तो आज की शाम फिर से यही एक बार कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना लोगों के लिए करिए, लोगों की दुआओं को आप पाइए, और धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ फिर से। ये मेरे बेटे को स्कूल में मिला था जब वो सेकंड क्लास में पढ़ता था, कितना प्यारा है, तब से मैंने संभाल के रखा हुआ है। आज मेरा बेटा 24 ईयर्स का हो गया, मेरी बेटी 21 ईयर्स की है, अब शादी लायक बच्चे हो गए मेरे। तो कभी शादी करूँगी तो आप लोग मेरी बच्चों की शादी में ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच, आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं, फिर से देख लीजिए मेरे बेड को, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।